हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टॉडलर्स को पूरा दिन एंगेज रख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब वो पूरा दिन घर में रहें तो उन्हें बिज़ी रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो या तो वो फ़ोन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर टीवी देखते हैं। तो लास्ट कुछ दिनों में मैंने ख्वाहिश के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई की थी घर पर, तो वो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वन बाय वन मैं सारी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो मैंने ख्वाहिश के लिए ट्राई की और उसने काफ़ी अच्छे से वो एक्टिविटीज़ की। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इन एक्टिविटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो ख्वाहिश को हमने एनरोल कराया था इन एज ग्रुप 2 to 3 years इन एट फ्लिंटो क्लास एट होम, और इसका फर्स्ट मंथ एक्टिविटी बॉक्स रिलेटेड था एनिमल सफारी थीम से। तो इसमें सारी एनिमल सफारी से रिलेटेड ही ये स्टिकर शीट बुकलेट थी, और दूसरी इसमें मिलती है ये एक्टिविटी शीट बुकलेट, इसमें सारा कलरिंग और पेस्टिंग का था। और इसी तरह से ये एक और एनिमल सफारी एक्टिविटी बुक है, ये इसमें एक्टिविटीज़ हैं कलरिंग की। देन इसमें और प्रोवाइड करते हैं ये एप्रन, जो कि अगर आपका बच्चा पहने वाइल डूइंग एक्टिविटी तो ठीक है, अदरवाइज ख्वाहिश तो बिना एप्रन पहने ही भी एक्टिविटीज़ कर लेता है। और ये एक मेसी मैट ये प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद ये आपको मिलती है एक शीट जिसमें डिटेल्स हैं डे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये फर्स्ट 6 days की मैं सारी एक्टिविटीज करा चुकी हूँ, और मैं आज बताने वाली हूँ कि मेरा 6 days की फ्लिंटो क्लास एट होम एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मोस्टली एक्टिविटीज इसमें एनिमल से रिलेटेड थी। इसमें जब भी क्लास स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनिमल साउंड, सर्कल साउंड, वेलकम सॉन्ग, ये सब होते हैं। उसके बाद आती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज में मोस्टली इसकी एक्टिविटीज रिलेटेड थी, स्टिकिंग एक्टिविटीज थी। फॉर एग्जाम्पल एनिमल की कोई कटिंग है या फिर ड्राइंग है, उसके ऊपर उसको स्टिकर्स लगाना है, उसे कंप्लीट करना है ना। लाइक ये था ट्री की एक्टिविटी थी, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये। इसमें ट्री की एक कटिंग थी जिसमें, और छोटे छोटे पेपर कटिंग थे ग्रीन कलर के, जिसमें इसको ट्री के ऊपर पेस्ट करना था और ट्री को कंप्लीट करना था। इसी तरह से ये थी एक एनिमल एक्टिविटी, स्नेक की स्टिकर्स है, और इसमें एम्प्टी सर्कल्स और स्क्वायर्स थे जिसमें कि ख्वाहिश को वो वाइट स्पेस में उसे पेस्ट करना था। तो ये भी ख्वाहिश ने काफ़ी अच्छे से किया। पहले मुझे लग रहा था ये कैसे कर पाएगा, पर उसने काफ़ी हद तक कर लिया था। ऐसे ही नेक्स्ट स्टिकिंग एक्टिविटी थी इसकी बर्ड्स से रिलेटेड, जिसमें ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर के बर्ड्स थे, और फिर ख्वाहिश को कलर्स मैच करके उनके फेदर्स को बर्ड्स के ऊपर, सही कलर के ऊपर और सही बर्ड के ऊपर उसे पेस्ट करना था। और इसी तरह से ख्वाहिश ने इस एक्टिविटी को भी ठीक से किया। तो इस तरह से बच्चे का रिकॉग्निशन बढ़ता है कि ये जैसे इसमें येलो बर्ड है तो इसमें येलो फेदर लगेगा, तो इसे बच्चे पहचानना सीख। तरह से ये था डेन बनाया हुआ था, उसके ऊपर फिर पेपर कटिंग से ब्राउन कलर्स के, और उसको पेस्ट करना था, डेन प्रिपेयर करना था। और इसमें साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि बी फॉर बियर, तो बी में कलरिंग करवाई और फिर इसके साथ ही बियर का एक डेन बनवाया था। तो इसे डेन के अंदर रखो, डेन के अंदर अंदर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये बियर का डेन बना के काफी खुश हो रहा था। ऐसे एक वुल कटिंग एक्टिविटी थी जिसमें कि वुल की कटिंग्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने, और फिर ये स्टिकी ये जो एक्टिविटी शीट है इसमें ये फॉक्स था, और फॉक्स के ऊपर ये वुल के कटिंग्स को पेस्ट करना था और इसको कंप्लीट करना था। फिर कलरिंग एक्टिविटीज़ में था जैसे ब्रश प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये ख्वाहिश में बी में कलर कर रहा है, वो इतना ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी अभी फर्स्ट टाइम कलरिंग स्टार्ट हुई थी। तो इसी तरह से उन्होंने ब्रश के साथ साथ फिर हैंड टिप से, ये फिंगर टिप से कलरिंग भी करवाई थी, तो जिससे बच्चे को थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि चाहे वो ठीक करे ना करे, पर एटलीस्ट वो इन्वॉल्व अच्छे से हो रहा था इन एक्टिविटीज़ में। और बेटर था कि एक्टिविटीज़ में अब उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान लग रहा था, क्योंकि बाकी समय तो अगर इनको एक्टिविटीज़ ना कराओ तो या तो ये फ़ोन देखते हैं बच्चे या फिर टीवी देखते हैं। तो फ़ोन और टीवी से छुटकारा पाने के लिए ये एक्टिविटीज़ मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लगे। ऑल दो मदर्स के लिए थोड़े मेसी हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर एक्टिविटी आपको ये सब क्लीन करना पड़ता है, सारे कटिंग्स वगैरह सब साफ़ करना पड़ता है, फ्लोर भी काफ़ी गंदा हो जाता है, बच्चे क्लोथ्स भी गंदे कर लेते हैं। बट बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनको। और इसमें ये काफ़ी, ये देखो जैसे ये वुड पैकर था, इसमें इसने इसको बनाया, और देखो इसके कलर्स, इसने पैर पे से भी लगा लिया,
ये इसी तरह से इन्होंने ये क्रोकोडाइल फेस का एक्टिविटी करवाया था, तो इसी तरह से खविश ने काफ़ी इन्जॉय करके ये एक्टिविटीज़ की।